Assalamualaikum guys, my name is Syed Abbas or Zaidi. और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से नॉर गेट को यूज़ करते हुए हम एक्स नॉर गेट डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि यूनिवर्सल गेट को यूज़ करते हुए कॉम्प्लेक्स गेट को डिज़ाइन करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियोज़ के अंदर हमने नैंड गेट से दोनों कॉम्प्लेक्स गेट डिज़ाइन किए थे और उसके बाद एक वीडियो के अंदर हमने नॉर गेट से एक्स और गेट डिज़ाइन किया था, और अब इस वीडियो के अंदर हम लोग नॉर गेट से एक्स नॉर गेट डिज़ाइन करने जा रहे हैं। एक्स नॉर जो हमारे पास होता है, इसकी हमारे पास आउटपुट होती है ए बार बी बार प्लस ए बी। तो ये चीज़ मैंने डिज़ाइन करनी है अपनी सर्किट डायग्राम के थ्रू। किस तरीके से होगी, सबसे पहले मैं क्या काम करूँगा, मेरे पास दो इनपुट्स हैं, एक इनपुट ए है और एक इनपुट बी है। यहाँ से मेरी दो इनपुट्स आ गए। अब मैंने क्या करना है, सिंपल मैं जो चाहिए, मुझे पता है कि जो मेरे पास एक्स नॉर गेट जो होता है वो मेरा उसको कन्वर्ट कर रहा होता है ए बार डॉट बी बार के अंदर। तो मुझे जो है वहाँ पर चाहिए ए बार डॉट बी बार। एक दफ़ा मैं क्या करूँगा, एक सिंपल यहाँ पर नॉर गेट लगा दूँगा। ये मैंने सिंपल एक नॉर गेट लगाया, इसने मेरी टर्म को कन्वर्ट कर दिया a बार डॉट b बार के अंदर। यहाँ तक तो मेरे पास a बार डॉट b बार आ गया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, बेसिकली एक और मैं आपको यहाँ पे चीज़ बता दूँ, बेसिकली जो ये कन्वर्ट कर रहा होता है इसको मैं अगर इस तरीके से लिखना चाहूँ a प्लस बी का होल बार बाई यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये मेरी मर्ज़ी है। मैं जिस तरह से भी लिखूँ ये दोनों इक्वलेंट होते हैं। आपको मैं लास्ट वीडियोज़ के अंदर भी ये चीज़ क्लियर कर चुका हूँ के डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू ये दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट होती हैं। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसको देखते हुए बनाना है ए डॉट बी का होल बार। तो मेरे पास आ गया, अब मैं क्या करूँगा कि मैं दो गेट्स और लूँगा, एक इसकी आउटपुट के ऊपर, इनपुट इसकी ये हो रही होगी और एक इनपुट इसमें ये हो रही होगी, ये दो इनपुट्स आ रही होंगी। उसके बाद एक गेट मैं यहाँ पर लूँगा, इसके अंदर भी मेरे पास ऐसे ही दो इनपुट्स आ रही होंगी, ठीक है। ये चीज़ मेरी क्या कर रहा होगा, ये जो मेरे दो गेट्स हैं ये मेरे पास सिंपल ए आ रहा है और यहाँ से ए डॉट बी का बार आ रहा है, तो ये मेरी इस टर्म को कन्वर्ट कर रहा होगा बी डॉट ए डॉट बी बार। ये इस चीज़ के अंदर मेरी टर्म को कन्वर्ट करके ला रहा होगा, या अगर बीच में प्लस का साइन लगा दूँ तो भी एक ही बात है, ये इस तरह से मेरी टर्म को कन्वर्ट कर रहा होगा, यानी कि ये इसमें मुझे यहाँ पर दे रहा होगा प्लस ये होल बार, इस तरह से ये मेरी टर्म को कन्वर्ट कर रहा होगा। ये चीज़ मेरे पास आ रही है इसके आउटपुट में। इसी तरह से जो मेरे पास ऊपर वाला है उसके अंदर मेरे पास आ रहा है ए प्लस ए डॉट बी बार बार का होल बार, ये तो मेरे पास आउटपुट्स आ गए। अब मुझे वहाँ पर चाहिए ए बी का होल बार और साथ में मुझे उसके चाहिए ए बी सिंपल में। तो जब मैं यहाँ से एक और इसके साथ नॉर गेट कनेक्ट करूँगा तो ये जो मुझे आउटपुट देगा ये देगा ए बार बी बार प्लस ए बी। ये अगर आपको समझ नहीं आया कि किस तरीके से मुझे आउटपुट दे रहा है तो मैं आपको ये और क्लियर कर देता हूँ कि देखें ए प्लस ए बार, ये हमारे पास ए प्लस ए बार डॉट बी बार आ रहा है। तो कुछ रूल्स होते हैं जो अभी तक हमने, यानी कि इसमें वीडियोस नहीं लेकर आए हम उसकी, इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम उसको भी कवर करेंगे। 13 रूल्स होते हैं जिसके थ्रू हम लोग जो इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे उन रूल्स के थ्रू तो ये मेरे पास आंसर दे रही होगी ए बार डॉट बी का और ये मेरे पास दे रही होगी बी बार डॉट ए का। इस तरीके से ये मेरे पास आंसर दे रही होंगी दोनों टर्म, जब मैं इनको उन बाय यूजिंग 13 रूल्स जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास ये दो आउटपुट्स दे रही होंगी, और जब मैं इनको ऊपर नॉर गेट लगाऊंगा तो मेरे पास आउटपुट आ जाएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में हम उन 13 रूल्स को भी कवर करेंगे कि किस तरीके से इक्वेशन को हम जो एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग 13 रूल्स डी मॉर्गन्स लॉ के थ्रू। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियोस में आपसे मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।